सर मैंने अपनी पहले अपनी यहाँ से 10th अपने गांव से किया था। 12th के बाद मुझे डाउट ट्वेंटी वाले में पता चला कि यहाँ से ही पढ़ाई होती है। बहुत अच्छा लगता है डाउट से पढ़ाई करने के बाद। सर मैंने डाउट से तैयारी की थी और डाउट के पेड कोर्सेज में मैंने पढ़ाई की। ध्यान नहीं रही थी हमें कोचिंग हिंदी मीडियम में कोई नहीं पढ़ा रहा था, सिर्फ डाउट ट्वेंटी पढ़ा रहा था। एक बार आप डाउट नेट से पढ़ाई करके तो देखें, यहाँ बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाई होती है। सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं जिला संभल से रहने वाला हूँ यूपी में, और गांव खेरिया से। मेरे पिताजी फार्मर हैं, यानी किसानी करते हैं मेरे पिताजी, और मेरी माता हाउस वाइफ। सर मैंने अपनी पहले अपनी यहाँ से 10th अपने गाँव से किया था। उसके बाद मैंने अपनी 12th की पढ़ाई बाहर से अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर से जाके की थी, प्रेमपाल सिंह इंटर कॉलेज से। उसके बाद मैंने 12th किया। 12th के बाद मुझे डाउट ट्वेंटी के बारे में पता चला कि यहां से ही पढ़ाई होती है। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और मेरी 96.72% बनी है। बहुत अच्छा लगता है डाउट से पढ़ाई करने के बाद। जिस तरह ये टीचर पढ़ाते थे उस तरह मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी। सर मैं मॉर्निंग में उठता था, लगभग 8 बजे करीब उठता था, और बाजे दिन तो मैं लेट भी उठता था क्योंकि मुझे देर रात तक पढ़ने की आदत है। फिर मैं ऐसे ही मैं बैठ जाता था, 9-10 बजे तक मैं बैठ जाता अपनी पढ़ाई करने। उसके बाद में लगभग 2 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद में खाना खाना खा के फिर मैं हमारी क्लासें होती थी, 4 बजे हमारी क्लासें होती थी। उसके बाद में अपनी क्लासें ज्वाइन करता था। फिर हमारी क्लास चलती थी 8 बजे तक, लगभग क्लास चलती थी। ऐसे खाना खाना खाया उसके बाद फिर मैं बैठता था, 9:30 बजे करीबन पढ़ने बैठ जाता था। फिर उसके बाद में लगभग 3 बजे तक तो पढ़ता था। मेरे बच्चे की बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। मुझे बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे का रिकॉर्ड बढ़िया देख कर के, और उसने ये सफलतापूर्वक बहुत बढ़िया करके ये रिकॉर्ड बनाया है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। सर मैंने डाउट नेट से तैयारी की थी और डाउट नेट के पेड कोर्सेज में मैंने पढ़ाई थी। मैं सूरमा वेज आईआईटी जे पेड कोर्स से पढ़ा हुआ हूँ, और मुझे चार टीचर पढ़ाते थे मुझे, ऐसे कामेश जहांगीर सर और मनीष उदास सर मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और सौरभ अग्रवाल सर मुझे फिजिक्स, और जितेंद्र कटारिया सर मुझे मैथ पढ़ाते थे। सबसे पहले मुझे इंटरनेट यानी यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि यहाँ को ये यहाँ डाउट पर भी तैयारी कराते हैं। ध्यान नहीं रही थी हमें कोचिंग हिंदी मीडियम में कोई नहीं पढ़ा रहा था, सिर्फ डाउट नोट ही पढ़ा रहा था। फिर उसके बाद मैंने डाउट नोट ज्वाइन किया। फिर एक इन्होंने कोर्स लॉन्च किया सर ने, फिर मैंने वो वाला कोर्स खरीद लिया था। सर मैं उन बच्चों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब मैं कि मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर एक कोई हिंदी मीडियम का बच्चा कोई नहीं कर सकता, हिंदी मीडियम से ही बच्चे कर सकते हैं। बच्चे यही समझते हैं कि हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से हम नहीं कर सकते। यहाँ डाउट नट है, डाउट नट पर भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है। बच्चों को मालूम ही नहीं कि कोई पढ़ाता है हिंदी मीडियम में। एक डाउट नट भी है जिसने हिंदी मीडियम के लिए ही खोल रखा है अपना ये सिस्टम। फिर मैंने अपनी तैयारी वहीं से शुरू की डाउट नट से। आप भी कर सकते हो। बहुत 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 अच्छे टीचर हैं यहाँ डाउट से, जैसे कि मनीष गुदारा सर हैं, उन्होंने IIT मुंबई से की हुई है बीटेक। मैं जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सभी अपने एम पर फोकस करें और लगन से पढ़ाई करें। जब मैं कर सकता हूँ तो फिर आप भी कर सकते हो। एक बार आप डाउट नेट से पढ़ाई करके तो देखें, यहाँ बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाई होती है, क्योंकि मैंने यहीं से पढ़े के अपनी सफलता को हासिल किया है। और एक बार जरूर पढ़ के देखें डाउट नेट से, बहुत सस्ते में ही कोर्स है, ज़्यादा कोई इसकी फीस नहीं है। और आप तुम्हें आपको अगर ज़्यादा लगता है तो आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है यहाँ पर, उससे आप कुछ आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि मुझे भी कुछ हेल्प उससे मिल गई थी।